Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Jamila Mansamo, your biology teacher. Today we will study another topic of chapter number 13, that is human respiratory system. अॼु असां 13 chapter जी नई topic पढ़ंदासीं, human जो respiratory system. हाणे इंसान जे respiratory system खे अगरि तव्हां ॾिसंदो त इहो मुश्तमिल हूंदो आहे pair of lungs ते, यानी इंसान में हिकु जोड़ो हूंदो आहे फिफड़नि जो. उन खां अलावा हिकु रस्तो आहे जंहिंसां हवा अंदरि ईंदी आहे जंहिंमें ऑक्सीजन घणी हुजे, ऐं उहा हवा ॿाहिरि निकिरंदी आहे जंहिंमें कार्बन डाइऑक्साइड घणी हुजे. त देर द एयर पैसेज वे, माना हवा जे गुज़रण जो हिकु रस्तो हूंदो आहे. एयर जेका ॿाहिरां खां अंदरि ईंदी आहे बॉडीअ में लंग्स जे अंदरि, उहा हिकु रस्ते सां ईंदी आहे. इन में सभ खां पहिरियां हूंदियूं नास्टल्स. नास्टल्स हिकिड़ियूं ॿाहिरां हूंदियूं आहिनि, उन्हनि खे चइबो आहे एक्सटर्नल नास्टल्स. ॿियो अंदरां हूंदियूं आहिनि, जिन खे चइबो आहे इंटरनल नास्टल्स. नास्टल्स जे अंदरि जेका कैविटी हूंदी आहे, इनखे नेज़ल कैविटी चइबो आहे. इट कंटेन्स म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स एंड हेयर्स. म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स ऐं हेयर्स छा कंदा आहिनि, एयर खे फिल्टर कंदा आहिनि. अगरि एयर ॿाहिरां खां अंदरि अचे थी, उन में डस्ट पार्टिकल आहिनि, उन में जर्म्स आहिनि, त उहे सभु उते रुकिजी वेंदा आहिनि म्यूकस में ऐं हेयर्स में ट्रेप थी वेंदा, ताकी उहे अंदरि वञी करे फिफड़ में को नुक़सान न कनि. पोइ एयर जेका आहे नेज़ल कैविटीअ मां पास थींदी, हिकु ट्यूब में ईंदी आहे जंहिंखे फेरिंग्स चइबो आहे. फेरिंग्स हिकिड़ो कॉमन ट्यूब हूंदो आहे फॉर द पैसेज ऑफ फूड एंड एयर. जॾहिं असां गीत ॾींदा आहियूं, स्वेलोंग कंदा आहियूं, त फूड माउथ खां फेरिंग्स में, फेरिंग्स खां पोइ एसोफेगस वसीले स्टमक में वेंदो आहे. पर जॾहिं असां साहु खणंदा आहियूं, त हवा जेका आहे उहा नेज़ल कैविटीअ वारी फेरिंग्स खां क्रॉस करे ट्यूब में ईंदी आहे, जंहिंखे लेरिंग्स चइबो आहे. लेरिंग्स वटि मौजूदु आहिनि वोकल कार्ड्स, जेके साउंड पैदा कंदा आहिनि. अच्छा, उन खां पोइ लेरिंग्स खां पोइ हिकिड़ो ट्यूब हूंदो आहे, जेको कार्टिलेजिनियस सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस जेको आहे स्ट्रक्चर मां ठहंदो आहे, जंहिंखे चइबो आहे ट्रेकिया. ट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकिया असांजे नेड़ीअ मां, नेक मां पास थी करे जीअं चेस्ट में ईंदी आहे, त ॿिनि ब्रांचिस में बायफर्केट थी वेंदी आहे. उन्हनि ब्रांचिस खे चइबो आहे ब्रोंकाए. हर ब्रोंकस हिकु लंग में खुलंदो आहे. हाणे ब्रोंकाए ॿ आहिनि त फिफड़ बि ॿ आहिनि. लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में खुलंदो आहे, राइट ब्रोंकस राइट लंग में खुलंदो आहे. हाणे एक्चुअली जेके असांजा लंग्स आहिनि, दे आर वेल प्रोटेक्टेड इन द अवर चेस्ट कैविटी. हाणे उहा जेका चेस्ट कैविटी आहे, उन में वेल प्रोटेक्टेड कीअं हूंदा आहिनि, त उनजे ॿाहिरां हिकिड़ो रिब केज हूंदो आहे, यानी सेमी सर्कुलर सी शेप्ड बोन्स मां ठहियलु हिकिड़ो हॾो पिंजरो हूंदो आहे, जंहिंखे रिब केज चइबो आहे. उनजे फ्रंट में हिकु बोन हूंदो आहे, जंहिंखे स्टर्नम चइबो आहे, ऐं बैक साइड ते छा मौजूदु हूंदो आहे, वर्टिब्रल कॉलम. उनजे विच में जेके सेमी सर्कुलर सी शेप्ड रिब्स हूंदियूं आहिनि, एंड रिब्स आर कवर्ड बाए मसल्स कॉल इंटरकोस्टल मसल्स. हिकिड़ियूं इंटरकोस्टल मसल उहे हूंदियूं आहिनि जेके रिब केज जे ॿाहिरां हूंदियूं आहिनि, उन्हनि खे चइबो आहे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. ॿियूं जेके अंदरां हूंदियूं आहिनि, उन्हनि खे चइबो आहे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. लंग्स आर कवर्ड बाए मेम्ब्रेन्स कॉल पेल्यूरल मेम्ब्रेन्स. हाणे जेके पेल्यूरल मेम्ब्रेन्स हूंदियूं आहिनि, उन्हनि पेल्यूरल मेम्ब्रेन्स खे अगरि तव्हां ॾिसंदव, त पेल्यूरल मेम्ब्रेन्स कवरिंग हूंदियूं आहिनि कंहिंजूं, लंग्स जूं. हाणे तव्हां हिकिड़ा मेम्ब्रेन हिन में रखी छॾियो, त हर्ट जो कवर यानी मेम्ब्रेन जेके हूंदा आहिनि, उनखे पेरिकार्डियम चइबो आहे. किडनी जो जेको मेम्ब्रेन हूंदो आहे, उनखे पेरिटोनियम चइबो आहे. पर जेको लंग जो कवर हूंदो आहे, उनखे चइबो आहे पेल्यूरल मेम्ब्रेन्स. त हवा जेका आहे उहा ब्रोंकाए जे वसीले किथे पहुचंदी आहे, जे करे लंग्स में. लंग्स में जीअं ब्रोंका ईंदियूं आहिनि, दे आर कन्वर्टेड इन ब्रोंक्योल्स. त ब्रोंकाए कंहिंमें कन्वर्ट थी वेंदियूं, ब्रोंक्योल्स में. ब्रोंक्योल्स अचे खुलंदियूं आहिनि एलिविलाए में, जंहिंखे एयर सेक्स बि चइबो आहे. एलिविलाए आर कॉल्ड एयर सेक्स. एलिविलाए आर सराउंडेड बाए ब्लड कैपलरीज़. हाणे जेको ब्लड कैपलरीज़ में ब्लड हूंदो आहे, उन मां कार्बन डाइऑक्साइड निकिरी करे एलिविलाए में वेंदी आहे. ब्लड कैपलरीज़ मां कहिड़ी गैस एलिविलाए में वेंदी आहे, कार्बन डाइऑक्साइड. ऐं एलिविलाए मां वरी ब्लड कैपलरीज़ में कहिड़ी गैस वेंदी आहे, ऑक्सीजन. तंहिंजे करे असां जुमिलो लिखियो आहे त साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज. गैसनि जी मटासटाई वारी साइट असां कंहिंखे छॾींदा आहियूं, एलिविलाए खे. हीअ मोस्ट इंपॉर्टेंट तव्हांजो जेको आहे एम सी क्यू बि ईंदो आहे, त साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी पैसेज वे में कहिड़ी बनावट खे चइबो आहे, एलिविलाए खे चइबो आहे. जेके एयर सेक्स आहिनि, जेके एयर वठंदियूं पियूं ब्रोक्योल्स मां लंग्स जे अंदरि. हाणे असां पढ़ंदासीं त असां जॾहिं बि ब्रीथिंग कंदा आहियूं, त असांजी ब्रीथिंग कीअं थींदी आहे, असां हवा खे अंदरि आणींदा आहियूं, इन अमल खे चइबो आहे इंस्पायरेशन. ऐं उहा हवा जंहिंमां कार्बन डाइऑक्साइड घणी आहे उहा ॿाहिरि कढंदा आहियूं, इनखे चइबो आहे एक्सपायरेशन या एक्ज़ेलेशन. हाणे इंसानु हिकिड़ो नेगेटिव प्रेशर ब्रीथर आहे, यानी जॾहिं हू इंस्पायरेशन कंदो आहे, त लंग्स ते प्रेशर जेको हूंदो आहे उहो रिड्यूस थी वेंदो आहे. हाणे हिकिड़ी शइ यादि रखो, जॾहिं असां इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कंदा आहियूं, यानी टेक इन कंदा आहियूं एयर खे, त जेके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हूंदियूं आहिनि, उहे कॉन्ट्रेक्ट कंदियूं आहिनि. त इहे इंस्पायरेशन जी पॉइंट आहे, त एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रेक्ट. इन्हनि जे कॉन्ट्रेक्शन सां छा थींदो आहे, जेको असां वटि रिब केज हूंदो आहे, उन जो रिब्स मूवमेंट कंदियूं आहिनि अपवर्ड एंड आउटवर्ड. रिब केज काॾे हरकत कंदो आहे, अपवर्ड एंड
आउटवर्ड इन अपवर्ड ए आउटवर्ड हरकत के करे है वॉल्यूम जो है चेस्ट कैविटी जो इंक्रीज थो हवा जी इन वह अंदर इंदी हाँ असल रब्स रिब्स ए एक्सटर्नम अपवर्ड मूवमेंट कह जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कन कॉन्ट्रेक्ट वॉल्यूम उन इंक्रीज ए हवा जो है वह अंदर थी अचे इन अमल जो नालो है इंस्पायरेशन आर इनहेलेशन एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन में देयर इज द रिलीज ऑफ एयर आउटसाइड द बॉडी कड़ी एयर दैट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड हाँ इन में वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल डायफ्रेगम कॉन्ट्रेक्ट कह रिब्स एस्टेनम इनवर्ड मूवमेंट कह वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी रिड्यूस एयर जो है पुश आउट थी वी यानि बॉडी में रिमूव थी वी तो यो है असा ब्रीथिंग हाँ अस पढ़ा तो एक फिफड़ में हवा की मटासटा के लिए हवा मापायण की गुंजाइश केतरी आस नॉर्मल ब्रीथ में केतरा लीटर हवा जहाँ अंदर आनी बाहर कड़ा डीप ब्रीथ में केतरा कड़ा उन रेस्पायरेटरी हाँ अस पढ़ू था लंग्स जे हों लंग्स आर सॉफ्ट स्पंजी एंड हाईली वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स लंग्स सॉफ्ट हूँ स्पश हूँ ए उनमें ब्लड वेजल्स मौजूद हूँ कर लंग्स के अंदर जो एयर दाखिल एल्यूवेला में तो एल्यूवेला के बहरा ब्लड कैपलरीज हूँ ब्लड कैपलरीज ब्लड वेजल तेरे जुमलो इस्तेमाल थे या वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर आ लंग्स आर पेयर्ड पेयर्ड में मुराद ये है तो फिफड़ एक न हों जोड़े की शक्ल में हूँ उनको पेयर हों किथे मौजूद हूँ ये मौजूद हूँ थोरेसिक कैविटी में या चेस्ट कैविटी में दे आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज जो असो पासराइटन जो है केज छल हों पिंजरों उनके अंदर हर्ट ए लंग्स वेल प्रोटेक्टेड हूँ तो लंग्स जो पेयर है उनमें एक लेफ्ट लंग हों राइट लंग हों दे आर लेफ्ट लंग राइट लंग इज पार्टिशन इंटू थ्री लोब्स एंड लेफ्ट लंग इज पार्टिशनेड इंटू टू लोब्स जो लेफ्ट लंग हों उनके बिन ब लोब हूँ जो राइट लंग हों उनके टे लोब्स हूँ लंग्स ऑक्यूपाय मोस्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी चेस्ट कैविटी जो अक्सर स्पेस केयर वालारी है लंग्स ईच लंग इज इनक्लोज बाय टू थिन मेम्ब्रेन्स कॉल पेल्यूरल मेम्ब्रेन्स हाँ याद रखो तो हर्ट के मेम्ब्रेन के चबा पेरिकार्डियम किडनी के मेम्ब्रेन के चबा पेरिटोनियम ए लंग्स के मेम्ब्रेन के चबा पेल्यूरल मेम्ब्रेन तो हर लंग के बिन मेम्ब्रेन हूँ जिनके पेल्यूरल मेम्ब्रेन चबा विद इन द पेल्यूरल मेम्ब्रेन ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल पेल्यूरल कैविटी बिन मेम्ब्रेन के विच में एक कैविटी होंगी जैके अस पेल्यूरल कैविटी चवंदा हाँ पेल्यूरल कैविटी जहाँ होंगी उनमें जो फ्लूइड भरल हों उनमें लुब्रिकेंट्स मौजूद हूँ जो फ्रिक्शन के कराइंदा रिड्यूस कराइंदा ताकि ये आसानी से कॉन्टेक्ट रिलैक्स कर इनसाइड ईच लंग ईच ब्रोंकस प्रोग्रेसिवली डिवाइड इंटू वेरी फाइन ब्रांचिस कॉल ब्रोंक्यूल्स हर फिफड़ में ब्रोंकाई अच्छे कर नंढे ब्रांचिस में वराजी वेंदा जिनके ब्रोंक्यूल्स चबो ईच ब्रोंक्यूल टर्मिनेट एट द टिनी हालो सेक लाइक एल्यूवेलर डक्ट कंटेनिंग नंबर ऑफ एयर सेक्स ब्रोंक्यूल लंग्स के अंदर अच्छी कर एल्यूवेला में कन्वर्ट थी वेंदा जिनके एयर सेक्स चबो या एल्यूवेला चबो एल्यूवेला आर रेस्पिरेटरी सर्फेस तो गैसन की मटासटा जो किथे वह एल्यूवेला वी यानी एल्यूवेला वा एयर पहुंचे थी पी उनमें ऑक्सीजन घनी हूँ जी ब्लड कैपलरीज हूँ उनके मौजूद ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड घनी हूँ लिहाजा मटासटा एल्यूवेला वी उनके रेस्पिरेटरी सर्फेस चबो ईच एल्यूवेला इज सराउंडेड बाय एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपलरीज इट इज़ अ साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज की साइट एल्यूवेला के चबो इंटरनल स्पेस ऑफ एन एल्यूवेला इज प्रोवाइडेड बाय सर्फेक्टेंट्स दैट रिड्यूस द टेंशन टू प्रिवेंट द कोलेप्सिंग ड्यूरिंग द गैसेस एक्सचेंज कोलेप्सिंग का बचाने के लिए इनमें सर्फेक्टेंट मौजूद होता है तो ये एक बनावट है एनाटॉमिकल अरेंजमेंट जी ट्रेकिया अचे थी तो वह डिवाइड थी वी कें ब्रोंकस ब्रोंकाई में हर एक के चबा ब्रोंकस ब्रोंकस में ब्रोंक्यूल ब्रोंक्यूल में फाइन ब्रांचेस निकरंदियुन एल्यूवेला हाँ एक एल्यूवेला से बहरा केतरी छा हूँ ब्लड कैपलरीज ब्लड कैपलरीज के ब्लड में कड़ो ब्लड हों डीऑक्सीजनेटेड एल्यूवेला के अंदर जो एयर अचे थी उनमें ऑक्सीजन घनी हूँ तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अचे तो वो एल्यूवेला के एयर में ऑक्सीजन गेन कर कार्बन डाइऑक्साइड लॉस कर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड यानी लंग जो कम हों तो प्यूरीफाई द ब्लड ब्लड के प्यूरीफाई कर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर यानी जो मटासटा थे वह किथे थी लंग के एल्यूवेला तो डियर स्टूडेंट्स हिंसर अस पढ़ू था लंग कैपेसिटी हाँ एक्चुअली लंग में जो एयर के मापायण की गुंजाइश होंगी होंगी है 5 लीटर्स 5 लीटर्स आर इक्वल टू 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर या 5 लीटर हवा मापायण की गुंजाइश कें में मौजूद है एक अडल्ट के लंग में होंगी
पर जैसे अस नॉर्मल ब्रीथ कूँ तो ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ जहाँ एक हवा जो मकदार है या वॉल्यूम जो अंदर वही जगह वाला रहो उन चब टाइडल वॉल्यूम एंड इट इज इक्वल टू हाफ लीटर। हाफ लीटर मीन्स 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो तो 1 लीटर बराबर होंगे 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के, तो हाफ लीटर इक्वल 500 क्यूबिक सेंटीमीटर के। तो नॉर्मल ब्रीथ दौरान जो अध लीटर या 500 क्यूबिक सेंटीमीटर हवा के अंदर वही जगह वाला रहा इट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। इनके टाइडल वॉल्यूम चब टाइडल वॉल्यूम इज 10% ऑफ टोटल लंग कैपेसिटी। यो टोटल लंग कैपेसिटी जो 10% होंगे यानी 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर जो 10% कटो इट विल बी इक्वल टू 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। जैसे अस डीप ब्रीथ कूँ तो मैक्सिमम एयर जो इंस्पायर या एक्सपायर थी उनके वाइटल कैपेसिटी चब वाइटल कैपेसिटी घनी होंगी 4 लीटर। एक लीटर जो वॉल्यूम हों रहल हों हवा जो अंदर इनके चब रिमेनिंग वॉल्यूम अबाउट 1 लीटर इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम। यो एक्सपायर न थी बाहर निकल अदरवाइज लंग कोलेप्स थी वन। पर जैसे एकड़ो इंसान उम्र रसीद है या एम्फीसीमिया जो पेशेंट है तो उनमें रेजिडुअल वॉल्यूम 1 लीटर का वधी वेंदो आ उनके फेफड़े की इलास्टिसिटी घटी वेंदी आ तो उनमें रेजिडुअल वॉल्यूम वधी होंद अगर वो डीप ब्रीथ भी करे तो एतरी घनी हवा पांजे फेफड़े में मापाए न सकंदो आ। हाँ इन डिस्कशन में असेंगे एक इक्वेशन मिली है तो टोटल वॉल्यूम या टोटल कैपेसिटी बराबर होंगी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। हाँ पढ़ी तो वाइटल कैपेसिटी घनी है 4 लीटर, रेजिडुअल वॉल्यूम घो है 1 लीटर, तो 4+1 इज इक्वल 5 लीटर या है टोटल कैपेसिटी। हाँ पढ़ी है टोटल कैपेसिटी घनी थी 5 लीटर, रेजिडुअल वॉल्यूम घो 1 लीटर। हाँ जैसे को एम्फीसीमिया जो पेशेंट या एजिंग वो पेशेंट है पर्सन है उम्र रसीद है तो उनकी जो वाइटल कैपेसिटी है वह रिड्यूस छाजे कर तो उनमें रेजिडुअल वॉल्यूम वधी वेंदो आ। सपोज कियो रेजिडुअल वॉल्यूम 1 मां घणो थी वने 2 थी वने यानी इंक्रीज थी वने तो वाइटल कैपेसिटी 4 मां डिक्रीज थी करे 3 थी वेंदी। तेंजे करे 2+3 इक्वल पो भी छा थी वेंदो 5 थी वेंदो। माना एजिंग या एम्फीसीमिया छा कंदी आ रेजिडुअल वॉल्यूम के इंक्रीज कराईंदी आ ए वाइटल कैपेसिटी के छा कराईंदी आ डिक्रीज। उनका बाद में असांजी टॉपिक है रोल ऑफ हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हेमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, इट इज प्रेजेंट इन द आरबीसीज। एक मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन जो 4 आयरन कंटेनिंग ग्रुप रख जैसे हेम चब आ। हाँ आयरन जो हों रिवर्सिबली बाइंडिंग कह ऑक्सीजन से जैसे फेफड़न वट एलिवलाई वट ऑक्सीजन ब्लड में वेंदी तो हेमोग्लोबिन से मिली एक हेमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन या मॉलिक्यूल पान में एड कर कन्वर्ट थी ऑक्सी हेमोग्लोबिन में। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन किथे थी लंग्स वट ऑक्सी हेमोग्लोबिन वरी अची कर टिश्यूज वट डीकम्पोज थो ऑक्सीजन उन अलग थी करे सेल्स में वेंदी बाकी हेमोग्लोबिन बचंदी। तो डीकम्पोजिशन ऑफ हेमोग्लोबिन ऑक्सी हेमोग्लोबिन अकर एट द टिश्यूज एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन अकर एट द लंग्स। दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कंदी है कार्बन डाइऑक्साइड घणा परसेंट 35% माना ऑक्सीजन का अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के भी ट्रांसपोर्ट कंदी है फ्रॉम सेल्स टू दी लंग्स। हाँ 35% जो हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड खणी है इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन। कड़े फॉर्म में कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में तो 35% 100 में कटो बाकी घना परसेंट बची 65% में 60% खणो है वाटर ऑफ आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड के 5% जो खणो है वाटर ऑफ प्लाज्मा खणो है। तो वाटर ऑफ प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड घना परसेंट 5%, वाटर ऑफ आरबीसी 60% कार्बन डाइऑक्साइड घना परसेंट 35%। इन का बाद में असं पढ़ा मायोग्लोबिन इट इज अ मसल प्रोटीन, इट कैन बाइंड विद ऑक्सीजन मोर टाइटली देन हेमोग्लोबिन एंड इट गिव्स रेडिश कलर टू दी मसल। मसल जो रेडिश कलर तदें थो है जैसे मायोग्लोबिन ना ऑक्सीजन एड हो खे तो मसल रेडिश कलर हों। मायोग्लोबिन जो बॉन्ड टाइट हों एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन। तो इन जो भी रोल हों ऑक्सीजन के ट्रैप करने में।